Thank you so much. अरे जरा इधर भी ध्यान दीजिए मैडम। अरे आप कब आए? हम कहाँ हैं? हम तो अभी भी ऑफिस में ही। आप भी ना। और ये किस खुशी में? अरे भाई खुशियां ही खुशियां हैं हमारे पास। बिजनेस भी अच्छा है, हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं और जब सब कुछ गुड है तो मिठाई तो बनती, और फिर चाहे कहीं से भी आई हो मुंह मीठा करना तो बनता है। अरे नहीं, मुंह खोलो जल्दी से। अरे इतने से क्या होगा, और लो थोड़ा 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 सा। ये आपको भी खाना पड़ेगा। हाँ नहीं, अरे भाई तुम तो जानती हो मुझे मीठा पसंद नहीं सिवाय तुम्हारे। अच्छा बस आप पहले फ्रेश होके आइए। ओके मैम, लेकिन उसके बाद। हाँ हाँ चाहिए। जानवी क्या हुआ? जानवी तुम ठीक तो हो ना? जानवी तुम ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं अचानक से चक्कर आ गया, तबीयत खराब सी होने लगी, पर अब हम ठीक हैं। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर को बुला दें। हमने कहा ना हम ठीक हैं, बस थोड़ी सी थकान है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ठीक है आओ आराम करो। कई असुरी शक्तियां अब भी हैं जो मानव के अंतर्मन में छिपकर रहती है, और जब मानव से उन्हीं की उनकी दूषित भावनाएं प्राप्त होती है तो असुरी शक्तियां बढ़ जाती है। नकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर वो प्रेम की पवित्रता को भंग करना चाहता है, परंतु अब समय आ गया है असुरी शक्ति के नाश का। लगता है कोई बुरा सपना देखा। हेलो बीके एक्सपोर्ट्स। ब्रिजेश सर हैं क्या? वो अभी नहीं आए हैं। आप कौन? मैं उनकी सेक्रेटरी माया बोल रही हूँ। उनको बताइए कि मैंने फोन किया था। ओके शर्ली, आई इनफॉर्म हिम। थैंक यू। अब तबीयत कैसी तुम्हारी? दवाई ली क्या? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी फील कर रहे हैं। अरे लेकिन चेकअप करवाने में क्या जाता है?
अरे बाबा हम ठीक हैं, आप तो एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं। बाहर मैं जाता हूं, नहीं करना है तो मत करो। मेरे बाप का क्या जाता है? एक तो तुम्हारे भलाई की बात करो और तुम मुझे सुना रही हो। देखो मेरे साथ रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, समझे तुम? सर आप ठीक तो है ना? सुबह सुबह दिमाग खराब करती इस औरत ने मेरा, कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ दूं इसे। सर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तुम गुड मॉर्निंग सर। मैं नया ऑफिस बॉय हूं। मैडम चेक इन है। सॉरी सर, सॉरी। गेट आउट। सर आप दो मिनट बैठिए ना। ये मैं क्या कर रहा था? मैंने जानवी से, ओ गॉड। I'm so sorry, जानवी, please मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम पे चिल्ला रहा था। लानत है मुझ पर। कोई बात नहीं ब्रजेश, हम समझते हैं। आप पर काम का बहुत प्रेशर होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिसेस जानवी ब्रजेश वर्मा। हाँ बाबा हम जानते हैं, आप जाइए अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ हम ठीक है। सो मुझे मेरा लंच मिलेगा ना? देखो अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज मत आओ। हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक है, हम लंच लेकर जरूर आएंगे। आप जाइए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ बाय। ओके बाय जानवी, सी यू। मुझे कुछ और भी ताकतवर टोना करना होगा ताकि ब्रिजेश और जानवी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं, ताकि मैं जानवी से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। तुझे पता है मेरे बॉस बहुत हैंडसम है, I'm just crazy about him. लेकिन हाँ यही प्रॉब्लम है कि वो शादीशुदा है। हाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उनकी शादी एक मिनट में तोड़वा दूँ। ओके देन चल मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ, बाय। मैम तुम हमारी शादी तोड़वाओगी? तुम यहाँ काम करने आती हो या अपने बॉस पर बुरी नजर डालने? हाँ आई एम सॉरी मैम, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। बदला तो मैं लेकर रहूंगी जानवी, और तुझसे तेरे पति को भी छीन लूंगी। चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं ठीक है बेटी, बस
जरा सी खरोच आई है। आप ये पैसे रख लीजिए दवाई के लिए। नहीं नहीं, पैसे नहीं, देना है तो कुछ काम देना बेटी। घर का सारा कम करती हूँ मैं, बस उम्र हो गई ना थोड़ी सी, इसीलिए मालिक ने निकाल दिया। अच्छा अभी तो मैं अपने पति को टिफिन देने जा रही हूँ, मैं वहां से आती हूँ तो आप मेरे साथ मेरे घर जाना, आप मेरे घर में काम करना, ठीक है? ठीक है, आप यहीं पे रुकिए ना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सही समय पर धक्का दिलवाया भगवान ने। ते भगवान, डोंट वरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ओके? थैंक यू वेरी मच कमला, आप हमें बहुत सही समय पर मिल रहे, और हाँ अब तुम्हारी देखभाल भी बहुत अच्छे से होगी। उपकार तो इन्होंने किया है मुझ पर, मुझे काम देखकर। थैंक यू। तुम बहुत कमजोर लग रही हैं। तो लगेंगे ना, पता नहीं सब क्यों हो रहा है, कमजोरी, गुस्सा, डिप्रेशन सब एक साथ महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए मम्मी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप ऑफिस जाइए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। ठीक, शाम को जल्दी आता हूँ, ओके? बेटी, मैं फ्रिज साफ कर रही थी तब अंदर ये डब्बा रखा हुआ मिला, इसे रखूं या इसे फेंक दीजिए, इसी को खाकर मेरी हालत हुई है। ठीक है। खाने से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। हे भगवान, ये सब क्या है? काला जादू, मैं जानती हूँ इसके बारे में। इसका इस्तेमाल लोग बहुत गलत करते हैं, खुद के फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूर जरूर किसी ने आप पर ये इसका प्रयोग किया है। पर ये डब्बा तो हमारे पति लेकर के आए थे, वो हमारे साथ नहीं, नहीं वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बेटी, उसने नहीं, लेकिन हो सकता है उनको किसी और ने डब्बा दिया होगा। जरूर कोई तुम्हारा बुरा चाहता है। पर ऐसा कौन हो सकता है? कमजोर हो चुकी हो, अब तुम पे मेरे काले जादू का असर आसानी से होगा। अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ चुका है।
मैम साहब क्या हुआ? मैम साहब ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। साहब का तो नंबर भी नहीं है मेरे पास। हे प्रभु प्रभु मेरी मदद करना। हाँ सुरक्षा चक्र बनाती हूँ। हे प्रभु मदद करना। सर आप अभी तक घर नहीं गए, मैडम चिंता कर रही हैं। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। हेलो कमला भाई, जरा जानवी मैडम से बात करो। साहब आप जल्दी आ जाइए, मैम साहब की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी आ जाइए साहब। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जानवी की मदद के लिए तुम नहीं जा पाओगे ब्रजेश। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? हमारे पैरों में कोई फीलिंग नहीं हो रही और वहां जानवी बीमार है। मुझे घर जाना है। आप चिंता मत कीजिए, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। आइए आइए। आराम से। जानवी क्या हुआ इसे? साहब अंदर नहीं जाना, ये सुरक्षा चक्र है। साहब मेम साहब पे किसी ने काला जादू किया है, नीले पानी का टोटका मारा है उन पर और जहर धीरे धीरे उन पर चढ़ रहा है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं ये सब कुछ जानती हूं, इसीलिए मैंने ये सुरक्षा घेरा बनाया है। इस काले जादू को जड़ से उखाड़ना होगा। जड़ तो वो मिठाई है। साहब ये मिठाई आप कहां से ले आए? ये मिठाई तो मुझे माया ने दी थी। माया? जरूर वो ही ये सब कर रही है, इसीलिए वो आज ऑफिस भी नहीं है। लेकिन आप ये सब कैसे जानती? कभी मैंने भी ये सब गलती की थी और अपना सारा सुख सारा परिवार खो दिया। बस तभी से कसम खाई थी कि इस काली विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और देखो भगवान ने मुझे इसका सही उपयोग करने का मौका दिया। बस इनकी जान बचा के मैं अपने पाप धोऊंगी। हमें इसी वक्त उसके घर जाना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ लेकिन साहब को चलने में तकलीफ है, उसका इलाज भी है मेरे पास। ये गंगाजल छिड़कने से उस टोटके का असर कम हो जाएगा।
नहीं छोड़ूंगा, मैं उस माया को नहीं छोड़ूंगा। शैतान का अंत बुरा ही होता है। तुम्हारी दुष्ट शक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसी करनी वैसी हर। कलयुग में अंधकार अधिक है, ये सत्य है, परंतु धर्म और अध्यात्म शक्ति के समक्ष ये दूसरी शक्तियों का कोई भी साथ नहीं। विकल हो सके तू कपि के मारे, तब जानेसु निसस संघारे, तो मोर अति पूर्ण बहुता, देखू नैन राम कर दूता।